आपदा प्रबंधन एवं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम एफआर विधान जायसवाल की अध्यक्षता में एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन और आपदा मित्रों की बैठक हुई। परिसर में आपदा प्रबंधन की ओर से 6 तहसीलों के आपदा मित्र शामिल हुए, जहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से आए ज्वाइंट एडवाइजर कर्नल अमित खोसला आपदा मित्रों से आपदा के दौरान होने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर ज़िले में तैयार 200 आपदा मित्रों से उनके अनुभव के बारे में जानकारी हासिल की। बैठक में मुख्य रूप से एडीएम एफआर विधान जायसवाल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट एडवाइजर कर्नल अमित खोसला, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा एवं आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में आपदा मित्र मौजूद रहे। वहाँ का स्टूडेंट मैं भी हूँ सर, मैंने भी वहीं से कोर्स किया हुआ है और वहाँ, और इनफैक्ट आपको गोरखपुर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट में हमारे गोरखपुर के स्टूडेंट्स ही वहाँ पे डिजास्टर एक्सपर्ट सर वहाँ पे वर्क करते हुए आपको मिलेंगे सर। तो यहाँ पे कुछ साथी हमारे आए हुए हैं, वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स आए हैं और वे लोग हमारे साथ वॉलंटियरली सर हमारे ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर सपोर्टिंग अस। हम लोगों को अपना सपोर्ट भी प्रदान करते हैं और काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है सर उनका, तो वो स्टूडेंट्स भी सर हमारे बीच हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व महोदय, जो कि हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, और सर के ही नेतृत्व में सर ये 12 दिनों की ट्रेनिंग आपको लेनी है। एक दिन पहले आपको रिपोर्ट करना है और आप उससे पहले वहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि जब तक ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो ये चीज़ें सोच के जानी है आपको। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी क्लियर कर दी, हमारे बजट का वो बात नहीं था, हमारे पास उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देते थे, इसलिए कि अगर फिर भी कोई ना जाना चाहे तो वो अपने। सर यहाँ पे हमारे सभी आपदा मित्र ऑलमोस्ट मैं दिख रहा हूँ तो कोई तहसील छूटा नहीं है, सभी तहसीलों से लगभग सभी आपदा मित्र आए हैं, क्योंकि गोला तहसील सर हमारे यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है, तो वेरी टफ की वहाँ से कोई उधर से आया होगा, लेकिन बाकी सभी 6 तहसीलों के रिप्रेजेंटेटिव आपदा मित्र यहाँ पर उपस्थित थे सर। फिर हम लोग आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें और उसको सर फिर हम लोग करते हैं सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सीईओ सर से, अपने सर कर्नल अमित खोसला सर आपका स्वागत है, और हमें खुशी है सर कि आज आप कल भी हमारे साथ थे, मौके का सर आपने निरीक्षण किया और अपना सर ऑब्जर्वेशन भी आपको जो अच्छा लगा होगा सर, और जो कमियाँ होंगी उसको माध्यम से हम लोग को जो भी फीडबैक मिलेगा सर उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और आज सर जिसका बेसिकली आपका शेड्यूल में था कि आपका मित्रों के साथ आपको एक सर इंटरेक्शन होना था, किस तरीके से ये जो आपदा मित्रों की परियोजना है पूरे देश में मात्र 2 जिलों में ये चल रही है, बलिया और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और अब भारत सरकार ने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है, जैसा सर ने मुझे बताया कि लगभग 1,00,000 आपदा मित्रों को ट्रेन करने की योजना है, और जाहिर सी बात है ये प्राथमिकता के आधार पे ऐसे जिलों में चुने जाएंगे जहाँ पे बाढ़ और अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ आती हों, और धीरे धीरे चूंकि 1,00,000 की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उन जिलों में भी लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में इसका विस्तार होगा। आपदा मित्रों की परियोजना कितनी सफल है, क्या यह अन्य प्रदेशों में, अन्य भारत के दूसरे हिस्सों में इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उसके लिए सर आए आप लोगों ने वाराणसी में एनडीआरएफ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेंटर में वहाँ जाके आप लोगों ने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप लोगों को तहसीलों में भी विभिन्न जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित होते रहे हैं उसमें आप लोगों को बुलाया गया है, कई बार आप लोगों को कानून व्यवस्था, प्रतिमा विसर्जन और छठ पूजा इत्यादि जैसे पर्वों पे जहाँ पे नदी के किनारे भीड़ भाड़ होती है, लोगों के डूबने की आशंका होती है, कई बार हम लोगों ने अखबार में भी देखा कि आपदा मित्रों ने मदद करके सर लोगों की जान बचाई, फिर उनको रेस्क्यू भी किया, तो
इनकी बहुत यूटिलिटी है सर, और इनको एज अ वॉलंटियर्स ये खुद भी रेडी हैं और देख रहे हमने सर मोर और लेस ये हम लोगों ने शुरू में कुछ अपने मित्रों का चयन तहसीलों को अपना दायित्व निर्वहन करना है, हमको अपना योगदान देना है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए सर, चिंता ठीक के फ्यूचर में, बट अभी हमको अपने मन से अपने लगन से साबित करना है कि हमारी क्या योग्यता है।